नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी का बोर्ड जो कि हमने तैयार किया हुआ है। इस बोर्ड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, साथ ही इसको कैसे आपको एम्पलीफायर बनाना है पूरा कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। टेस्टिंग वगैरह भी आपको मैं इसकी दिखाने वाला हूँ। आप खुद से एक एम्पलीफायर कैसे तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को देख के आपको सारे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। दोस्तों पूरे कनेक्शन समझने के लिए प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बोर्ड की क्वालिटी आपको देख के ही समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये ऑडियो बोर्ड है और ये हमने खुद डिजाइन किया है। अभी मैं आपको अपने सिस्टम पे भी इसकी डिजाइन हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं मैंने इजी ईडीए सॉफ्टवेयर ओपन किया है, इस पे मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो देखिए ये हमारा 200 वॉट का स्टूडियो का बोर्ड है, इसका 3D व्यू देखिए ओपन हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका 3D व्यू कैसा लगता है। देखिए ये ओपन हो गया और ये इसका 3D व्यू है। तो इस तरह से जो भी आप डिज़ाइन रेडी इसमें करते हैं तो उसका आप व्यू देख सकते हैं कि आपका बोर्ड कैसा लगेगा। और इसको आप अलग अलग कलर्स में भी चेंज करके देख सकते हैं कि आपको किस कलर में PCB आपका बढ़िया लगेगा, बोर्ड अच्छा लगेगा। तो आप इसको हर एंगल से यहाँ घुमाकर हर कलर में देख सकते हैं। और ये हमारा जो प्रीएम्प है वो जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये हमारे प्रीएम्प की डिज़ाइन है। तो इसको भी देखिए मैं 3D व्यू में आपको दिखाता हूँ। देखिए 3D व्यू ओपन हो रहा है और ये देखिए सारे कंपोनेंट्स ओपन हो गए। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये जो हमारा प्रीएम्प का बोर्ड है तो इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। और देखिए रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये सारे कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जिस कलर में आप देखना चाहें उस कलर में आप देख सकते हैं। ब्लैक भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देख सकते हैं ये प्रीएम्प बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इस प्रीएम्प की। दोस्तों इस प्रीएम्प में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये जो 250 वॉट का हमारा जो स्टीरियो का बोर्ड है तो देखिए इसको हमने अपनी देखिए हमारी डिज़ाइनें हैं सारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 87 से भी ज़्यादा डिज़ाइनें हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। जल्दी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी PCB का आप यहाँ पर 2D व्यू भी देख सकते हैं, यानी कि PCB आपकी बन के कैसे आएगी और कैसा लुक रहेगा। तो इस तरह से PCB का फ्रंट साइड, बैक साइड और यहाँ से आप इसकी गर्वर फाइल वगैरह, PDF फाइल, आप जो भी चाहे सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो PCB है सेम इसी तरीके की बन के आ चुकी है। तो देखिए ये जो बोर्ड है हमारा स्टीरियो बोर्ड है, 2 चैनल का ये बोर्ड है और इसमें देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं आप देख सकते हैं। और इसमें हमने दोनों चैनल के लिए अलग अलग रिले प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ 15 एम्पेयर की रिले लगी हुई है और ये दूसरे चैनल के लिए 15 एम्पेयर की रिले। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों चैनल में आपकी रेड एंड ग्रीन LED लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की कॉइल लगी है जो कि ज़ोबल नेटवर्क का काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसमें हमने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तोशिबा के ट्रांजिस्टर हैं 2SC5200, 2SC1943, एक पेयर यहाँ पर लगा है, एक पेयर यहाँ पर लगा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा जो बोर्ड है ये 4 ओम और 8 ओम दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों पे बढ़िया से काम करेगा। ये हमारा जो बोर्ड है इसमें आपको 4 ओम्स में 250 वॉट की आउटपुट मिलेगी RMS में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप 8 ओम्स पर चैनल यूज़ करते हैं तो आपको 100+100 वॉट की आउटपुट मिलेगी। मगर इस पे आप मैक्स लोड जो है वो मैं अभी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा, तो इस पे मैक्स लोड आप बहुत ही बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें जो फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ किए हैं वो 63 वोल्ट के हैं, 10,000 UF के कैपेसिटर लगे हुए हैं। मैं साइड से आपको दिखाऊँगा, ये देखिए 10,000 UF 63 वोल्ट के 2 कैपेसिटर की पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं कंपोनेंट वगैरह सारे ही बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं और रेजिस्टेंस वगैरह सारी फिलिप्स की यूज़ की गई है। साथ ही दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ है आपको यहाँ पर मल्टी आउटपुट्स भी मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक एम्पलीफायर में छोटी छोटी पावर सप्लाइयाँ बहुत ही मायने रखती हैं, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सेक्शन भी दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज दिया हुआ है और यहाँ पर 2 रेगुलेटर जिनका आउटपुट आपको मिलता है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, और यहाँ पर आपको 15 से 16 वोल्ट का आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप इस बोर्ड में फ़ैन कनेक्ट करना चाहें, ब्लूटूथ चलाना चाहें और इनबिल्ट जो रिले प्रोटेक्शन है उसको पावर सप्लाई देना चाहें तो ये सारे काम आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फ्रेंड्स, हमने ये वाले बोर्ड की अभी 250 पीसीबियां तैयार की है। पीसीबी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही ऑसम ये क्वालिटी है। आप देख सकते हैं शाइनिंग वगैरह पीसीबी की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये पीसीबी है, और टिनिंग वगैरह की क्वालिटी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पीसीबी में जो भी ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा एम्पियर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर देखिए पूरे में टिनिंग हुई है, और इसको आप बढ़िया से सोल्ड करके आप टिनिंग कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर देकर बढ़िया आउटपुट आप इससे पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं देन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड एंड इनपुट, यहाँ पर ऑडियो इनपुट है, दोनों चैनल का देखिए अलग अलग ऑडियो इनपुट है। ये देखिए लिखा हुआ है जी एंड इन, तो यहाँ पर दोनों चैनल के आपको ऑडियो इनपुट करना है। कि स्पीकर आउट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको स्पीकर की वायर कनेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको स्पीकर माइनस की वायर कनेक्ट करनी है जहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है। ये दो ग्राउंड के ऑप्शन हैं, और यहाँ पर आपको 35 एंड ग्राउंड, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की एसी इनपुट देनी है, और ये ग्राउंड है ये स्पीकर के लिए। तो दोनों स्पीकर का जो ग्राउंड होता है वो कॉमन करके हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और स्पीकर की पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से लेंगे, दूसरे चैनल की आउटपुट हम यहाँ से लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मल्टी आउटपुट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक ब्रिज लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे कनेक्शन है, वहाँ पर आपको 0-12 का कनेक्शन करना है, और साथ में यहाँ से आपको 12 वोल्ट, 17 वोल्ट, 5 वोल्ट ये सारे आउटपुट मिलेंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये पीसीबी है। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पीसीबी भी अभी देखिए, हमने अभी ये बोर्ड लॉन्च भी नहीं किया था, मैंने एक दिन डीपी पे ये बोर्ड लगाया हुआ था। अभी इस बोर्ड के 15 बोर्ड के ये ऑर्डर है, जो कि अभी ये देखिए तैयार हो रहे हैं, और ये 3 बोर्ड भी उसी में से है। तो ये हमारे जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, हमारे कस्टमर हैं, उनके 15 बोर्ड ये जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाले हैं वो 35035 का ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाले हैं। देखिए 35035 का 8 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, ये मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में कई सारी आउटपुट निकली हैं। देखिए जैसे मैंने 12012 की आउटपुट निकाली है, और यहाँ पर हमने 012 की भी निकाली है। तो ये हमारे एक ही ट्रांसफार्मर से सारे कनेक्शन होने वाले हैं, इसी से हम प्रीएम भी चलाएंगे, और हमारे बोर्ड, स्पीकर प्रोटेक्शन, फैन वगैरह सारा हम एक ही ट्रांसफार्मर से चलाने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी 012 की आउटपुट है उसके कनेक्शन करेंगे। तो 012 की जो आउटपुट है उसको हमें देखिए बोर्ड में यहाँ पर जहाँ ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको 012 के कनेक्शन सोल्ड करने हैं। देखिए मैं सोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ से 012 के कनेक्शन हो गए। इसके बाद हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे वो है हमारे 35035 के, ये कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 35035 एंड ग्राउंड, तो ये दो रेड जो कनेक्शन है 35035 के हमें यहाँ कर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए दोनों मैंने लगा लिए, और ये ग्राउंड की ब्लैक वायर है, इसको हमें यहाँ ग्राउंड की जगह पर लगा देना है। और यहाँ पर देखिए स्पीकर आउटपुट एंड ग्राउंड एंड ये स्पीकर आउटपुट, ये दो कनेक्शन बचते हैं, तो हम स्पीकर की वायर जोड़ लेते हैं। तो स्पीकर की वायर देखिए हमने दोनों कॉलम्स जो हैं हमारे उसकी पॉजिटिव अलग अलग कर दी है, ग्राउंड हमने एक में ही कर दी है, क्योंकि ग्राउंड दोनों स्पीकर की सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक ग्राउंड का कनेक्शन बचा था, यहाँ पर हम ग्राउंड स्पीकर की ग्राउंड जोड़ देंगे, और जो हमारे स्पीकर की पॉजिटिव है हमारा ये राइट चैनल है यहाँ पर कर देंगे, और लेफ्ट चैनल यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे स्पीकर के कनेक्शन और ट्रांसफार्मर से हमने सप्लाई दे दी इसमें। अभी बात करते हैं कि हमारे रिले प्रोटेक्शन जो है इसको भी हमें कनेक्शन देना है। पैरेलल कनेक्शन करके हमने 3 जिको को आपस में जोड़ लिया है, तो इसको हम यहाँ पर जो हमारा पहला कनेक्टर है इसमें इनपुट करेंगे, और इससे हमें 2 आउटपुट मिलेंगे। तो ये 2 आउटपुट आपको एक यहाँ पर ये रिले प्रोटेक्शन को जहाँ पर कनेक्शन देना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे, दूसरी जिक हम इस वाले रिले बोर्ड के सेक्शन में लगा देंगे। दोस्तों, इससे हमारे दोनों बोर्ड को 12 वोल्ट सप्लाई मिल गई, और दोनों चैनल की रिले ऑन हो जाएगी। और अभी देखिए यहाँ पर ऑडियो इनपुट करना है,
तो उसके लिए फ्रेंड्स आप RCA से भी कनेक्शन कर सकते हैं, मैं प्रीएम्प से कनेक्शन करूँगा। तो देखिए ये हमारा एक प्रीएम्प है जो कि बहुत ही जल्दी इसकी वीडियो आने वाली है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रीएम्प हमने डिज़ाइन किया है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, जैसे इसकी वीडियो आएगी तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही ऑसम क्वालिटी है इस प्रीएम्प की। तो इसका कनेक्शन करूंगा मैं, आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं RCA से कनेक्शन करके, मैं इसको ब्लूटूथ और प्रीएम्प से कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। तो देखिए हम इसमें ये वाला ब्लूटूथ कार्ड यूज़ करने वाले हैं। तो इस ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हम एक जिग का कनेक्शन करते हैं जो कि 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया। अब इस ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई देने के लिए यहाँ से हमें 5 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी, ये हमने देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, इससे हमारा ब्लूटूथ कार्ड ऑन हो जाएगा। जब आप एम्पलीफायर बनाएंगे तो यहाँ पर बीच में आप एक स्विच लगाकर ब्लूटूथ कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, ब्लूटूथ कार्ड से जो ऑडियो आउट हो रही है उसके लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से देखिए आउटपुट सेक्शन से यहाँ जिग को एक जोड़कर, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप प्रीएम्प यूज़ करेंगे उसके ऑडियो इनपुट सेक्शन में देना है। तो देखिए यहाँ पर है हमारा ऑडियो इनपुट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे और यहाँ से हमारी ऑडियो आउट हो रही है जो कि हमारे बोर्ड में कनेक्शन जाएगा। तो यहाँ से हम एक जिग का कनेक्शन करेंगे, देखिए ये ऑडियो आउट का किया और इसको हमें अपने बोर्ड के ऑडियो इनपुट में देना है। देखिए इससे हमने ये 3 वाली जिग का कनेक्शन है, ये जो 3 वायर की होती है इसमें बीच वाला ग्राउंड होता है और लेफ्ट राइट चैनल होता है, और इससे हमने 2 डबल तार वाली जिग का कनेक्शन किया है और इसको हम यहाँ पर ऑडियो इनपुट में लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा हो गया राइट चैनल का इनपुट और ये हो गया हमारा लेफ्ट चैनल का इनपुट। अभी हमें सप्लाई देनी है अपने प्री एम्प को, जो कि ये हमारा 12012 या फिर आप 15015 की सप्लाई पे भी चला सकते हैं, और बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का ये प्रीएम्प है। इसकी जल्दी ही वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, इसकी पीसी भी तैयार हो रही है। तो अभी मैं आपको मेन बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसफार्मर से 12012 हमने यहाँ से सप्लाई ली है, इसको हमें यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो यहाँ हमारे प्रीएम्प को भी सप्लाई मिल गई, हमारे बोर्ड के रिले प्रोटेक्शन को भी, दोनों चैनल को सप्लाई मिल गई, ऑडियो इनपुट का भी हमने जोड़ दिया, ट्रांसफार्मर की वायर भी जोड़ दी है, साथ में स्पीकर की आउटपुट भी जोड़ दी है, और यहाँ ब्लूटूथ को हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, और यहाँ से ऑडियो जो आउट हो रही है वो हमने अपने प्रीएम्प को दे दी है। दोस्तों सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं, आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट इसको जब आप एक एम्पलीफायर में फिटिंग करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर वायरिंग कर पाएंगे। ये ओपन वायरिंग में थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है। तो इसमें देखिए अभी हमने फ़ैन कनेक्ट नहीं किया है, तो फ़ैन ऑप्शनल है, आप चाहें तो कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी चलाना चाहें आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप एम्पलीफायर में लगाएंगे तो उसमें फ़ैन का ऑप्शन होता है कैबिनेट में, तो जो फ़ैन की ये वायर होती है जिग, इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए ये वाला जो अभी कनेक्टर खाली है ना, यहाँ पर आपको फ़ैन का कनेक्शन कर देना है। और चलिए मैं फटाफट से सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमने स्विच चालू किया और आप देखिए दोनों चैनल में पहले रेड लाइट चल रही है और अभी देखिए ग्रीन एंड देन ग्रीन, दोनों चैनल हमारे ऑन हो गए हैं। देखिए ब्लूटूथ में भी सप्लाई आ गई है और अभी मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों इस पे जो मैं आपको टॉप चला के दिखाने वाला हूं, तो आप सामने देख सकते हैं ये RCF मॉडल का 200 वॉट का इसमें बुफर लगा हुआ है और 450-60 वॉट का HF लगा है। ये 2 टॉप मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी ने टेस्टिंग देखी, आप सभी को टेस्टिंग कैसे लगी
आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी ये बोर्ड मुझसे परचेस करना हो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। कनेक्शन वगैरह मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी कनेक्शन में डाउट होता है तो बोर्ड पर सभी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख के कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये 250 वॉट का स्टीरियो का बोर्ड है। अगर किसी को भी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। सिंगल पीस के अलग प्राइस होंगे और जो लोग क्वांटिटी में लेना चाहते हैं उसके प्राइस अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑर्डर करने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये बोर्ड आप मुझसे मंगवा सकते हैं। और नेक्स्ट जल्दी ही आपको ये वाला जो हमारा प्रीएम्प है इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ये हमारा बोर्ड जो है वो तैयार हो रहा है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। वंदे मातरम, जय श्री राम।